ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन शेयर हो रही है, ताकि फिर हम स्टार्ट करें। आ रही है, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज है हमारा होलसेल इंटर्नशिप का थर्ड लेक्चर, ठीक है। एंड मेरे साथ जो है वो आपका फर्स्ट एवर लेक्चर है। सो पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कुछ लोग जो है वो पुराने भी हो सकते हैं, ठीक है, बट मेजोरिटी जो है वो न्यू लोगों की ही है। एंड आई हैव सीन दिस थिंग कि बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस मैं आपके बाद में लूंगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट के आपका मेरे साथ जो है वो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो अगर हम इंट्रो ले लें तो माई सेल्फ निदासलम एंड आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर अबाउट 2.5 to 3 years, और शायद इससे ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग और यू कैन से ई कॉमर्स। मेरी जो स्पेशलिटीज हैं वो ज्यादा अमेजोन रिलेटेड है, चाहे वो पीएल हो या होलसेल हो, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज का दौर खत्म हो गया, बट जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था तब वो भी पीक के ऊपर था। इसके अलावा जो है वो आई नो थिंग्स अबाउट शॉपिफाई, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट का एक कोर्स भी मैं ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ। एंड इसके अलावा जो है वो दराज भी है, ठीक है, बट दराज के ऊपर जो है वो आई एम लाइक डूइंग वर्किंग, और यू कैन से कि मेरा अपना थोड़ा सा सिनारियो उसके ऊपर चल रहा है। सो दैट्स द बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। और एक्यूवर्स के साथ यू कैन कंसिडर मी एज अ को फाउंडर ऑफ एक्यूवर्स एज वेल। और पिछले जितने भी बैचेस गुजरे हैं, ठीक है, उसके अंदर मैं और सरफान हम दोनों ही जो है वो लेक्चर्स को कंडक्ट कर रहे होते हैं। बाकी वी हैव अ टीम, ठीक है, ऑफ मोर देन 15 to 20 people, लेकिन लेक्चर्स वगैरह जो है वो मैं और सरफान डिलीवर कर रहे होते हैं यूजुअली। अच्छा, सो आज हमारा जो है वो होलसेल इंटर्नशिप का थर्ड लेक्चर है, नॉट थर्ड लेक्चर। इससे पहले आई थिंक आप लोगों को हंटिंग रिलेटेड जो है वो आपके साथ लेक्चर्स शेयर किए गए हैं, ठीक है, वो भी हमने ही करवा रखे हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर की गई थी, ताकि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, कोई भी ऐसी लाइक कंफ्यूजन है, तो वो आप हमसे पूछ सकें, ठीक है। अब जो है वो कीपा इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है बायबॉट प्रो, अब वो आपके पास है, आप उससे काम चला सकें। कीपा पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल है कि अगर आपको कोई टूल प्रोवाइडर दे रहा हो लेकिन अपने ही मिलता, ठीक है, क्योंकि उसकी शेयरिंग पीछे से जो है वो अलाउड नहीं है, सही है। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा कि हाउ वी कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, और डिफरेंट तरीके हैं कि किस तरीके से आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हमने जो मूव करना है वो इस चीज के ऊपर मूव करना है कि हमने उनको कॉल कैसे करनी है और उनसे अप्रूवल कैसे लेना है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी कॉल नहीं की होगी, उन्हें टेम्पलेट का नहीं पता होगा, उन्हें सवाल पूछने का नहीं पता होगा, उन्हें बहुत से टिप्स का नहीं पता होगा। सो वो सारी चीजें जो है वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, होलसेल अगर आप कर रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि विदाउट कॉलिंग जो है वो आपका लाइक गुजारा नहीं है, ठीक है। कॉल्स करना और उस पे कॉल्स पे कन्विंस करना या अप्रूवल लेना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और आपके काम को ज्यादा मतलब यू कैन से कि फास्ट अप कर देती है, जल्दी हो जाता है काम, ठीक है, बनिस्बत इसके कि आप मेल करें और मेल का ही वेट करें। लाइक ये 9th बैच है, और जब हमने फर्स्ट बैच भी स्टार्ट किया था तो स्टूडेंट्स जो कि पेड कोर्सेज करके आए हुए थे, उन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं था कि होलसेल के अंदर कॉल करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सही है। एंड वी वर आई थिंक द फर्स्ट वंस जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि कहीं से नंबर वगैरह किसी तरह अरेंज हो जाए, वो भी कुछ लिंक्स थे, तो उनको बोल के कि कुछ ऐसा सिस्टम निकल आए कि स्टूडेंट जो है वो सस्ते में एक नंबर खरीद के और कॉल्स की प्रैक्टिस वगैरह कर लें, तो इसलिए, ठीक है। आज हम ये सारी चीजें करेंगे। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने की भी हो, उन्हें पता हो, तो वो अपना इनमें एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। बाकी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आपने अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपने उससे पूछना क्या है, ठीक है, आपने उससे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये वो क्वेश्चन है जिनका आपके पास जवाब होना जरूरी है। आप मेल भी करते हैं बट कॉल भी करनी चाहिए। एक तो कॉल पे कन्विंस करना ईजी है, रिप्लाई जल्दी लेना ईजी है, ठीक है, एंड इन द लॉन्ग रन आपने उनके साथ काम करना होता है, तो अगर आप कॉल के ऊपर उनके साथ बातचीत में हैं और वो अगर आपको जानते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा जज करना भी ईजी है और चीजें ज्यादा स्मूथली हो जाती हैं, बनिस्बत आप सिर्फ मेल के ऊपर उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहें, सही है।
पहला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एमओक्यू। एमओक्यू बोलें या एमओबी बोलें, ठीक है, कि आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है या फिर आपकी परचेजिंग वैल्यू क्या है, ठीक है, कि हमें आपसे कितने की परचेजिंग करनी होगी, ताकि आप उस हिसाब से देख सकें। अब फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रीब्यूटर वो कहता है कि कम से कम आपको हमसे $5,000 की परचेजिंग करनी पड़ेगी या 5,000 पीसेस लेने पड़ेंगे, तो आपको पता है कि आप इनिशियल लेवल पे इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। और होलसेल तो इंसान करता ही इसलिए ताकि सेफ साइड पे कम यूनिट्स के साथ जो है वो प्रोडक्ट को टेस्ट करके चल सके। अब तो खैर हमारी तो पीएल की भी स्ट्रेटेजी यही है कि उसमें टेस्ट लॉन्च होती है जिसमें आप पहले प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्ट करो, अगर वो सक्सेसफुल है तो आप उसको बल्क में परचेज करो, अदरवाइज नहीं करो, ठीक है। सेकेंड इज, आर यू एन ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका आप सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसको आप भले एंड में पूछ लें। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज है, चीज स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि वो हमें क्या बताएगा कि यस हम ऑथराइज हैं या नहीं है। यस, वो बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी पहली प्रायोरिटी के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए जो आपको ब्रांड खुद से प्रोवाइड करता है। अक्सर हम जब ब्रांड्स को कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते, ठीक है। सो वो तो डायरेक्टली ब्रांड ने आपको दिया, कोशिश करना कि आपने उसमें से फाइंड करने। कुछ ऐसे होंगे जो आपके काम के नहीं होंगे, जो ई कॉमर्स पे अलाउ नहीं कर रहे होंगे, या और बहुत सी वजहों हो सकते हैं, बट उन्हीं में से एक दो अच्छे आपको मिल जाते हैं, और एक दो मिलना भी काफी होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कैन यू शेयर योर कैटेलॉग। अगेन आप कैटेलॉग के बारे में पूछेंगे। अब कैटेलॉग क्या होता है, वही जिसके ऊपर उनकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सेल की शीट में लिस्ट हुई भी होती है। समटाइम्स वो बोल देते हैं कि यस हम आपको अभी भेज देते हैं, अगर आपको मेल के ऊपर जवाब नहीं आ रहा आप उनको कॉल पे भेजो तो वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको सेंड कर देते हैं आपकी मेल चेक करके, ठीक है। और अगर वो वेबसाइट से बोल रहे हैं तो वेबसाइट का वो बता देंगे कि हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो वेबसाइट पे लगी हुई है। उसके लिए मैं आपके साथ वेबसाइट स्क्रैपिंग की वीडियो भी शेयर कर दूंगी कि आप कैसे वेबसाइट्स को स्क्रैप करके डाटा निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका कॉन्सेप्ट शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, विच इज डू यू गिव प्री इनवॉइसेस। अब प्री इनवॉइसेस क्या होती है, देखें इनवॉइस का वर्ड तो आपने यकीनन सुना हुआ होगा अगर आप यहाँ तक आए हैं, कि होलसेल में इनवॉइस इनवॉइस बहुत ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है। अब इनवॉइस क्या होती है, बेसिकली ये एक आपकी परचेजिंग की रसीद है कि आपने जो है वो खरीदारी की है और कहाँ से खरीदारी की, ठीक है। जिस तरह हम कोई भी शॉपिंग करके आते हैं, मार्ट वगैरह से सौदा लेकर आते हैं, तो आपको पता है वो पूरी रसीद देते हैं, ठीक है। सो उसको ही हम इनवॉइस कह रहे होते हैं, और अमेजोन अक्सर आपसे मांगता है ये चेक करने के लिए कि आपने लोकली कहीं से परचेज किया या आपने किस डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया, सही है। तभी हम वॉलमार्ट वगैरह से नहीं परचेज कर रहे होते, क्योंकि हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है और उनकी कोई रिसिप्ट नहीं होती जो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। अब प्री इनवॉइस क्या होती है, देखें अगर आपने वर्ड सुना है प्री और पोस्ट का, प्री का मतलब होता है किसी भी काम का पहले होना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड पोस्ट का मतलब होता है बाद में, जस्ट लाइक पोस्टपोन, ठीक है। तो प्री इनवॉइस ये है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोलो कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट आपकी गेटेड है, हम इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं और हम इसको डेफिनेटली बल्क में परचेज करेंगे, लेकिन क्या आप हमें प्री इनवॉइस की दे सकते हो। अब प्री इनवॉइस ये है कि परचेजिंग से पहले वो आपको एक इनवॉइस बना के दे दे, आप इस इनवॉइस को अमेजोन के अकाउंट पे लगाएंगे और चेक करेंगे कि आया आपकी प्रोडक्ट अनगेट हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अमेजोन आपके हाथ में बहुत बड़ी एक चीज लगी है, ठीक है। अमेजोन इस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस को एक्सेप्ट करता है और आप अपनी प्रोडक्ट को अनगेट कर सकते हैं। प्री इनवॉइस आपको काम ही तब आएगी जब आपको कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आ जाए और वो गेटेड हो, यानी आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपके अकाउंट के ऊपर इजीली लिस्ट ना हो रही हो और अमेजोन कहता हो कि भाई ये रिक्वायरमेंट है कि आप जहां से परचेज करे हो वहां की रसीद दो। अब ऑब्वियसली वो तो आपको परचेजिंग के बाद मिलती है, ठीक है। तो जहां आप इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां पे आप ये क्वेश्चन लाजमी पूछे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो हमें पहले प्री इनवॉइस क्यों देंगे, जब हमने उनसे परचेज ही नहीं किया, तो हम उनसे ये क्वेश्चन क्यों ही पूछें। जहां आप इतनी बातें पूछ रहे हैं वहां इसको पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज हमने ऐड की है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज प्रैक्टिकली हम कर चुके हैं, दैट्स व्हाई वी हैव एडेड दिस, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। 100 में से हो सकता है कोई एक ही आपको मिले जो प्री इनवॉइस के ऊपर एग्री कर जाए, या 2 मिले, लेकिन अगर वो एक दो भी आपको मिल रहा है और काम कर जाती है तो ये बहुत फायदेमंद चीज, सही है। अब ये मैं स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि हमें एक से दो ऐसे मिले, ठीक है, मतलब मिले ज्यादा, लेकिन जिनकी इनवॉइस काम कर गई, और तभी हमने इस चीज को आगे पे फर्दर इसमें भी इंक्लूड किया और अपने एक्सपीरियंस में भी ऐड किया कि ये चीज ऐसे वर्क करती है, ठीक है। खुद से ही हमारे जहन में सवाल आया था कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स गेटेड होती हैं
और हमें पसंद होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनवॉइस का कोई चक्कर होता है और नहीं ट्रस्ट हो रहा होता कि आप परचेज कर लो, इनवॉइस ना एक्सेप्ट हो, फिर इन्वेंट्री को कहाँ वापसी करते रहेंगे। तो हमने ये चीज पूछना शुरू की, ठीक है। एंड ये चीज इस तरीके से वर्क की कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें, जो सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था, मेरा ही उनके साथ कॉन्टेक्ट था, ठीक है। सो ही गेव मी द इनवॉइस। अब पहले मैंने उस इनवॉइस को अपलोड नहीं किया, वो डव प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, उनके कैटलॉग से पसंद आई थी डव की एक प्रोडक्ट, और डव आपको पता कितना बड़ा ब्रांड है। सो एट फर्स्ट वो 2-3 दिन तक इनवॉइस पड़ी रही, मैंने उसको अपलोड नहीं किया कि क्या ये हो जाना, ठीक है। बस मैंने वैसे ही चेक करने के लिए उसको डाला, एंड गेस व्हाट, के वो एक्सेप्ट हो गए। वो एक्सेप्ट होने के बाद ना सिर्फ वो प्रोडक्ट अनगेट हुई, बल्कि डव से रिलेटेड जिस मर्जी डिस्ट्रीब्यूटर की जो मर्जी प्रोडक्ट आप अमेजोन के ऊपर बिक रही है, उसको उस अकाउंट के ऊपर लगा रहे हो, वो अनगेट हो गए, ठीक है। सो ये एक कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, ऊपर से वो डिस्ट्रीब्यूटर भी किसी ब्रांड नहीं दिया हुआ था, तो आपको वहां से आइडिया हो जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर भी ऑथेंटिक है और इसकी इनवॉइस भी काम करती है, ठीक है। इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको लाजमी कंसिडर कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है इसके, डू यू अलाउ ऑन एमेजोन? ऑब्वियसली आप ये चीज भी पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज के बारे में पूछेंगे, कुछ आपको दोनों सर्विसेज देंगे, कुछ आपको दोनों सर्विसेज नहीं देंगे, कुछ आपको दोनों में से एक देंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना हिसाब किताब लगा लेंगे कि आपने जो है वो 3PL सर्विस प्रोवाइडर को हायर करना है या नहीं करना, सही है। सेवेंथ इज, इज देयर एनी डिस्काउंट इफ यू परचेज इन बल्क? ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इफ यू वॉन्ट यू कैन आस्क देम, एंड इफ यू थिंक कि ये चीज जो है वो इतनी नेसेसरी नहीं है तो मत पूछिएगा, क्योंकि एज सच डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिस्काउंट वाला सीन होता नहीं है वैसे, सही। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछने होते हैं, चाहे आप कॉल कर रहे हो, चाहे आप टेक्स्ट कर रहे हो, क्योंकि इनके आंसर्स आपके पास मिलेंगे, आपके पास होंगे, तो ही आप फाइनल कर सकते हैं कि आया मुझे इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आगे मूव करना है या नहीं करना, सही है। अब आप मुझे प्लीज बताएं कि आपको यहाँ तक क्लियर है बात? क्लियर है हर चीज? फिर हम इससे आगे मूव करते हैं, सही है? चलें, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कॉल्स के ऊपर, ठीक है, कि आपने कॉल करनी है। आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं ये शेयर करवा दूंगी, ठीक है। बस मुझे याद रहनी चाहिए ये बात शांजा को बोलनी कि ये वो आपके साथ शेयर करते हैं, सही है। यहाँ पे टेम्पलेट लिखा हुआ है एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एक ब्रांड के लिए। अब आप चाहो तो आप जो है वो इसको अपने हिसाब से ऑब्वियसली ऑल्टर कर सकते हैं, इट्स जस्ट अ सैम्पल, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है तो आप चीजें अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक रफ आइडिया कि आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए, एंड कुछ चीजें जो है वो मैं आपको फर्दर भी बता दूंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि देखें, आप लोग अगर थोड़ा सा जाके चैनल पे एक प्लेलिस्ट है मोस्ट डिमांडेड वीडियोस वगैरह के नाम से, ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारी काम की वीडियोस हैं, लाइक पूरा पूरा लेक्चर समटाइम्स हम नहीं सुन सकते ऑब्वियसली, तो उसमें ये टॉपिक्स अलग से भी अवेलेबल हैं, सही है, जो कि आप लोगों की आसानी के लिए ही बनाए गए थे। उसमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता, बट क्योंकि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वरना हमें ड्राइव में देना पड़े, फिर वो किसी के पास ओपन होती है नहीं होती, सो वो एक ओपन सोर्स है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर मैंने कुछ टिप्स वगैरह अभी अगर मेरे जहन से निकल जाए तो वो मैंने वैसे बताई नहीं होंगी, इंग्लिश रिलेटेड बताई नहीं होंगी, और भी बहुत सी चीजें। तो अगर आपको वक्त मिले तो आप वहां से भी बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जी ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करने का टेम्पलेट है। सबसे पहली एक टिप ये है कि जब भी आप किसी से बात करेंगे कॉल पे, यू हैव टू ग्रीट देम, सही है। अक्सर ये होता है कि वो बहुत फेडअप हुए हुए होते हैं, ठीक है, अगर आप स्पेशली थोड़ा सा लेट कॉल करेंगे, क्योंकि वो जाहिर है कॉल के उस पर बैठे होते हैं पूरे दिन से, वो फोन से पिक कर रहे होते हैं, बहुत से उनको स्कैम कॉल्स भी आ रही होते हैं, ठीक है। सो आपने ग्रीट करना है, और ग्रीट करने से ये होता है कि ऑब्वियसली वो आपको रिप्लाई देते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा मूड जो है ना वो लाइट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आप अपना रियल नेम भी यूज कर सकते हैं और अपना फर्जी नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। मैं यूजुअली सारा कर लेती हूँ, मैरी कर लेती हूँ, वो थोड़ा सा ऐसे नाम है जो इजीली मेरी जबान पे चढ़ भी जाते हैं और वो वहां पे यूज भी होने वाले, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली है, मोहम्मद अदनान है, तो वो एक काइंड ऑफ उनको वाइब जाती है कि हम लोग शायद वहां के नहीं है, ठीक है, नेटिव नहीं है, और हम कह रहे हैं कि जी हम वहाँ पे काम करें, जबकि इसमें मसला नहीं है, आप बोल सकते हो कि मैं वर्चुअली भी कर रहा हूँ। उसके बाद
आपने जो है वो अपना एक फर्जी डेजिग्नेशन सोच लेनी है कि आप जो है वो अपनी कंपनी में क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपकी एलएलसी है उसमें आप परचेजिंग मैनेजर हैं या कुछ भी है, ठीक है, या सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। अच्छा, उसके बाद एक बेसिक सा आप थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे एंड देन क्वेश्चंस पे जंप कर जाएंगे। अब द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करने का ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर से आपने, क्योंकि ये सारी बातें पूछनी होती हैं, इसलिए आपने शुरू में अपना इंट्रो जो है वो बहुत मुख्तसर रखना है। अगर आप उसमें ही गुम हो गए तो वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है। वो वहीं पे जो है ना वो कॉल को खत्म करने वाली करेगा कि ठीक है आप मेल कर दीजिएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। इसलिए इसको प्रिसाइज रखते हुए आपने क्वेश्चंस की तरफ जंप करना है, ठीक है, और जितनी बात हो सकती है उतनी आपने करनी है। अब एक्सपीरियंस आपको दोनों तरह का मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, थोड़ा बुरा भी मिलेगा, रूड भी मिलेगा, लेकिन आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, ठीक है, कुछ इतने रूड होते हैं, कुछ को आप सुना के फोन रख देते हो, दोनों चीजें चल रही है ना। मैं उनके सामने बैठी हूँ ना वो मेरे सामने बैठे हैं, कोई पर्सनल ग्रजेस वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपली आप ऑनलाइन लगे हो, बस कॉल करो और उसके बाद फोन रख दो, ठीक है। वन सेकेंड, सही हो गया। अच्छा, थर्ड थिंग विच इज अबाउट इंग्लिश, सही है। हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने लग जाते हैं कि नहीं, हम नहीं कॉल कर सकते, हमें इंग्लिश नहीं आती। देखिए, अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है ना, आपको इतना ज्यादा फेक एक्सेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा आपका बन भी जाएगा, लेकिन आपको इतना फेक काम करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से उनसे बात कर सकते हैं। आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत ही कम होंगे जिनका कोई नेटिव एक्सेंट होगा जो आपको समझ ना आए, वरना जो कॉल वाले डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं उनकी बहुत साफ इंग्लिश होती है, बहुत बेसिक इंग्लिश होती है, एंड यूजली वो ऐसी स्टेट्स वगैरह की होते हैं क्योंकि अपनी इंग्लिश साफ नहीं होती, ठीक है। वो मतलब दूसरी दूसरे मुल्कों के कह लें या दूसरे कंट्रीज वगैरह के भी होते हैं कुछ, कि उनकी अपनी इतनी ज्यादा कोई अच्छी और हाई फाई किस्म की इंग्लिश नहीं होती। सो इसलिए इंग्लिश के ऊपर आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। शुरू में अगर आप चाहो तो आप एक टेम्पलेट ही याद करके भी बात कर सकते हो, सही। अब मैं आपको एक सैंपल के तौर पर करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कॉल करनी है तो वो मैंने किस तरीके से करनी है। हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट ई टू सॉल्यूशंस इंक, हाउ आर यू, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट एवर लाइन, जिसके ऊपर वो लाजमी बोलते हैं कि आई एम फाइन एंड आपको क्या मतलब मदद वगैरह चाहिए, थिंग्स लाइक दिस। तो फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ओके, हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड एक सेकेंड, हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट ई टू सॉल्यूशंस इंक, हाउ आर यू। बेसिकली वी आर ए रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, मेनली सेल थ्रू आवर वेबसाइट एंड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एज वेल। आई हैव सम बेसिक क्वेरीज अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वुड आई आस्क सम क्वेश्चंस इफ यू डोंट माइंड, सही है। उसके बाद अब आगे से वो जब पूछेंगे कि येस यू कैन गो अहेड, तो फिर मैं उनसे जो है वो आगे से क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, लाइक व्हाट इज योर एमओक्यू, और यू कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर एमओक्यू, और डू यू ऑफर एनी परचेजिंग लिमिट। एंड उसके बाद अगर वो मुझे आगे से गाइड करती है या जो भी बताती है, ठीक है, तो फिर मैं ये पूछ सकती हूँ कि ओके, डू यू अलाउ पीपल सेलिंग ऑन अमेजोन, ठीक है। इस तरीके से मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है सारे क्वेश्चंस पूछूंगी। फिर बातें करते करते आपको खुद भी आइडिया हो जाता है, लाइक इफ यू वॉन्ट टू आस्क देम कि आपके पास जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं अमेजोन के, आप ये चेक करना चाहते हो कि उनके साथ क्या बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। अगर वो कहती है कि यस हमारे साथ हैं, तो भी आपको एक आइडिया हो जाता है। और अगर वो कहे कि नहीं, यू आर द फर्स्ट वन हु इज आस्किंग फॉर दिस, तो आपको वहां से भी आइडिया हो सकता है कि इनके साथ पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी अमेजोन सेलर ने जो है वो इनके साथ काम नहीं किया था, ठीक है। यहां तक बताएं, आपको क्लियर है या मुझे एक बार और करना है। और उसके बाद एंड में जो है वो आपने इसी तरीके से लाइक गुड बाय वगैरह कर देना है, और लाइक ग्रीट वगैरह करके, ठीक है, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और इस तरीके से। एक और टिप ये है कि जो मुझे अभी याद आ गई, कि अगर कोई आपको अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको उससे काम पड़ सकता है। दूसरी बात ये, आप उससे अपना उसका नाम पूछ लो। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कॉल करते हैं ना, तो वो जो कॉल वाले बैठे होते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं पता होता, तो आप जो है वो उनको ये लाजमी बोलें कि कैन यू प्लीज फॉरवर्ड माई कॉल टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है, कि आप मेरी कंसर्न डिपार्टमेंट पे कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो
तो वो आपकी फॉरवर्ड कर देगा कॉल। और अगर आपको उस बंदे के साथ बात बात हो गई और आपको सही से समझ में आ गई कि ये बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, आप उसका नाम लाजमी पूछो, ठीक है। अगर आप उसका नाम पूछ लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉल करें, आप डायरेक्ट नाम बताएं कि मुझे जॉन से बात करनी है, मुझे फलाने बंदे से बात करनी है, तो उनको ये होता है कि ये वाकई कोई हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, और फौरी तौर पर आपकी कॉल को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और उसी बंदे के पास फॉरवर्ड कर देते हैं जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होता है। सही है? नहीं, एज अ ऑनर कॉल करने की जरूरत नहीं है। ऑनर को भी किसी कंपनी का इतना फारिग और वेला नहीं बैठा हुआ होता। आप मैनेजर बन जाओ, परचेजिंग एजेंट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ठीक है, आपने ऐसे बन के कॉल करनी है। अब आपने ये डाटा लिखना कैसे? एक और टिप ये देखें, जब आप होलसेल में काम कर रहे हैं ना, तो आप इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करें, आप होलसेल करो, प्राइवेट लेबल करो, जो भी आजकल वैसे प्राइवेट लेबल ही ज्यादा चल रहा है, बट स्टिल दोज हु आर डूइंग होलसेल एंड दोज हु आर विलिंग टू डू होलसेल, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके अंदर ये है कि आप ना एक्सेल की शीट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड लाजमी बनाएं। एक वीडियो है चैनल के ऊपर कि एक्सेल की शीट कैसे बनती है। आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें, जो भी सवाल जो आप पूछ रहे हैं, सबके कॉलम्स बना लें। पहले में तो आपने अब लास्ट टाइम शीट बना ली होगी, ठीक है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखा होगा, लिंक लिखा होगा, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होगा, उसके बाद आपने जितने सवाल पूछे हैं इनके आप कॉलम्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, के ऑथोराइज है या नहीं है, कैटलॉग देता है या नहीं देता, आप ऊपर कैटलॉग की हेडिंग लगा दो, उसके बाद प्री इनवॉइस की हेडिंग लगा दो, एमओक्यू एमओबी की हेडिंग लगा दो, ठीक है। इस तरह जो जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, शिपिंग लेबलिंग, जो जो बात डन होती जाए वो आपने लिखी, एंड में कमेंट का कॉलम बनाना है। उस कमेंट में आप उर्दू, फारसी, पंजाबी, पश्तो, जो जबान आपको आसान लगती है, आप उसमें एक समरी लिख दो कि मेरी इसके साथ कॉल पे क्या बात हुई थी। देखिए, शुरू में एक्साइटेड होता है इंसान, चार पांच कॉल्स करते हैं ना, उसको एक एक चीज याद रहती है, ऐसे एक्सपीरियंस था, ऐसे एक्सपीरियंस था, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप भूलना शुरू कर जाते हो कि मेरी किसके साथ क्या बात हुई थी। तो वहां पे आपको वो जो शीट है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। सही है? जब आपके पास वो शीट होती है तो आप वहां से एनालाइज कर लेते हो, ये डिस्ट्रीब्यूटर फलाना मेरे काम का नहीं है, ये अलाउ नहीं करता है, या बहुत ज्यादा ये रूड है, कोऑपरेटिव नहीं है, इनका एमओक्यू इतना ज्यादा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या इनकी परचेजिंग लिमिट बहुत ज्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको जो है ना वो साइड लाइन करते जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक्सेल की शीट्स वगैरह बनानी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, और होलसेल में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो लाजमी बनाइए सारी चीजें, उसके अंदर आपने जो है वो पुट कर दी जानी। एमओक्यू क्या होता है? एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपने कम से कम हमसे इतने पीस खरीदने। सही है? वो बोलते हैं कि आपने हमसे, ये प्रोडक्ट है, इसके 100 पीस लेने हैं, इसके 500 पीस आपने लेने हैं, इससे कम का ऑर्डर हम प्रोसेस नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम ब्रांड्स के ऊपर, ठीक है। ब्रांड्स का जो टेम्पलेट है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें आपने क्वेश्चंस नहीं पूछने होते, इसमें आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करके उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अपनी परचेसिंग लिमिट थोड़ी सी ज्यादा बता रहे होते हैं, ठीक है, कि हम इतनी परचेसिंग लिमिट रखते हैं। ब्रांड्स यूजुअली आपको मेल्स पे ही डील करते हैं, लेकिन कॉल करने से ये कि आप थोड़ा सा उनकी नजर में आ जाते हो, इतनी ज्यादा मेल्स का अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो आप उनको कह सकते हैं कि अगर वो बोले मेल पे कॉन्टेक्ट करें, आप कह सकते हैं मैंने मेल पे कॉन्टेक्ट किया हुआ है, मुझे जवाब नहीं मिल रहा, ठीक है। वहां पे थोड़ी सी कन्विंसिंग पावर आपकी होनी चाहिए, और आप उनसे ये कहो कि भाई हम आपके फलाने फलाने प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, एंड वी रियली वांट टू यू नो वांट टू बिकम योर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर, और इस तरीके से हम जो है वो काम करना चाहते हैं, और आप उनसे कैटलॉग लेते हो। एक टिप ये है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसी मौजूद है, ठीक है, जो कि आपको अच्छी पसंद आई है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भले आप काम कर रहे हैं, अब आपने देख ली प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो आप उनको साइड पे करें और किसी उसके प्रोडक्ट के ब्रांड के पास जाएं, तो उसको बोले हम स्पेशली इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो अप्रूवल ज्यादा इजी हो जाता है। वो आपकी पूरी, आपको पूरी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांड भी कॉन्शियस है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके पास, आपको जो है डव की कोई प्रोडक्ट पसंद आई, अब आप डव के पास जा रहे हैं, आपको पता है वो इतना बड़ा ब्रांड है, वो आपको अप्रूवल देगा, और क्या वो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर अप्रूवल देगा? लेकिन आप उसको किसी सोप में, किसी लोशन में, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो कि आप स्टैट्स वगैरह भी चेक कर चुके हैं, तो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए उससे जाके बात कर सकते हैं, फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी पे कंसिडर कर सकता है, एंड यू कैन से कि आपके चांसेस जो है वो 50-60% इंक्रीज हो जाते हैं कि यस आपको इस पर अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है। बाकी टेम्पलेट इसका भी बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट, इसमें आपने थोड़ा सा अपने आप को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। यूके में अलमकसूद ने पूछा था कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर का नाम क्या बताऊं, और दूसरी बात ये कि यूके में मेरा बिल्कुल भी होलसेल का एक्सपीरियंस नहीं है, ओवरऑल भी इतना ज्यादा नहीं है, यूएसए की मार्केट का है, ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया वगैरह, बातचीत करनी, ये सारी चीजें सेम है, और इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करने के तरीके भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सही है? अच्छा, यही टेम्पलेट आप जो है वो मेल पे लिख लेंगे, सही है, और कॉल पे भी आपने जो है वो इसी तरीके से बात करनी है।
अच्छा ये किसका क्वेश्चन है? सबा का। सर आपने कहा था, आई एम नॉट सर। अच्छा जो आपका क्वेश्चन है कि सर ने कहा है कि होलसेल के लिए बड़ी अमाउंट चाहिए और हम इस तरीके से इतनी क्वांटिटी के अंदर भी काम कर सकते हैं एंड ऑल, देखें सर ने अपनी जगह पे जो है ना वो बात बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि अब जो है वो होलसेल काइंड ऑफ बहुत ज्यादा ट्रिकी हो चुका है। अगर तो आपने स्टार्ट नहीं लिया ना तो आपको इस चीज का इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप से जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि अब अप्रूवल्स लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं जैसे हम लोग हैं, ठीक है, अब अगर मुझसे अभी आप पूछो ना कि मिस मैंने स्टार्ट करना है तो मैं किस मॉडल के ऊपर फोकस करूँ, तो मैं आपको यही बोलूंगी प्राइवेट लेबल के ऊपर करो, क्योंकि अल्टीमेटली सेफ, सिक्योर और अच्छा है। ठीक है, पहले ये दोनों चल रहे थे, अब होलसेल का उतना दौर नहीं रहा या उतनी पीक नहीं रही। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जिनके पास अप्रूवल्स हैं, जिनके पास यू कैन से के लिंक्स वगैरह हैं, जो पहले से हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन नया बंदा बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। सही है, एंड यस इन्वेस्टमेंट वगैरह इसीलिए ज्यादा लगती है कि आपको अब कम एमओक्यू या कम परचेजिंग वाले डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे ही कम, पहली बार। ठीक है, आपको अगर मिलेंगे तो उनके पास से आपको प्रोडक्ट बिल्कुल भी बेनिफिट वाली नहीं मिलेगी। हमारे पाकिस्तानियों ने भी बहुत ज्यादा काम इसमें खराब कर दिया, लाइक वही सेम डिस्ट्रीब्यूटर आपको गूगल वगैरह पे हर जगह से घूम फिर के मिल जाता है, और उनको इतनी ज्यादा कॉल्स जो है वो जा चुकी होती है ऑलरेडी, उन्होंने भी अपनी प्राइजेस को अच्छा खासा इंक्रीज कर दिया। आप कर सकते हैं, 100 यूनिट्स के साथ आप जा सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, फिर वो चल जाती है तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अब इतना सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, अमेजोन जो है वो इनवॉइसेस को इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करता, इवन जिनकी पहले एक्सेप्ट कर रहा होता था उनके अंदर भी वो इश्यूज नहीं पा रहे। ठीक है, करना चाहिए, यस यू कैन, लेकिन आपको आगे तो इसको बढ़ाना है। और होलसेल करने वाले हर बंदे का जो एक अल्टीमेट गोल होता है वो ब्रांड के साथ काम करना होता है, और ब्रांड्स की भी अब परचेजिंग लिमिट कम नहीं है। सही है, जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनका भी ब्रांड अप्रूवल लेना चाहिए या बस लिस्ट कर देनी चाहिए? नहीं, लिस्ट हो जाती है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। देखिए, ब्रांड अप्रूवल इंसान बेसिकली इसलिए लेता है कि ब्रांड जब आपको किसी चीज का अप्रूवल देके प्राइस दे रहा होता है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से काफी कम देता है और आपका मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, और आप काफी हद तक सेफ साइड पे आ जाते हो, क्योंकि आपको पता है अब मुझे कोई नहीं छेड़ेगा, अब तो मैं ओरिजिनल ब्रांड से परचेज कर रहा हूँ, ये एक बेसिक रीजन होता है। हाँ कर लें, कम बजट में कोई मसला नहीं है, अगर आपको कोई बाकी के इश्यूज वगैरह क्रिएट नहीं करता तो। सॉफ्ट अप्रूवल में क्या फर्क होता है ये भी मैं आपके साथ ना लेक्चर शेयर करवाऊंगी, एक मतलब वीडियो शेयर करवाऊंगी, आप देखिएगा इसके बाद, ठीक है, कुछ दिनों में। सॉफ्ट अप्रूवल ये होता है जो आपकी बिना इनवॉइस के लिस्ट हो जाती है प्रोडक्ट इजीली। सही है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है ये होता है बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं, वो कभी भी देगा नहीं। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इज समथिंग बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द ब्रांड, वो आपको कभी भी शो नहीं करेगा। आप जबानी कलामी उससे पूछ सकते हैं कि हाँ आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो या नहीं हो। सही है, लेटर्स वो आपको कभी भी नहीं दिखाते हैं, ये चीज है। अच्छा इसके बाद एक और स्लाइड है, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा टाइम जो है वो बेस्ट होता है कॉलिंग के लिए। ठीक है, 12 आवर्स का डिफरेंस है, आपको भी पता है सिंपल, आपके यहाँ शाम के 6 बजे से वहां पे कुछ स्टेट्स में मॉर्निंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन 8 बजे का टाइम अच्छा है। अगर आप 8 बजे से 12 बजे तक स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा पीक टाइम होता है, और अगर आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं लाइक उनकी मॉर्निंग में, तो आपको जो है वो रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। ठीक है, अब 8 मिनट है, आप लोग क्वेश्चंस अपने प्लीज जल्दी जल्दी पूछिए ताकि मैं आपको फिर बताऊं। मुझसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा होता है जो लोग इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हैं कि पीएल या होलसेल। देखिए मेरा कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं है, मैं दोनों चीजें करवाती हूँ, बट आई ऑलवेज गिव जेन्युइन एडवाइस। ठीक है, और उस जेन्युइन एडवाइस पे अगर आप देखें तो वो यही है कि इस टाइम पे अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपको अपनी ज्यादा एफर्ट्स जो है वो पीएल के ऊपर ही देनी चाहिए। ठीक है, यूएसए में प्रोडक्ट किस डिस्ट्रीब्यूटर से फाइंड आउट कर सकते हैं चीप प्राइस में? ये तो आपको सर मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी चीप प्राइस नहीं देता। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उनका एमओक्यू वगैरह क्या है, अगर उन्होंने परचेजिंग लिमिट दी है कि आप कम से कम 1,000 की परचेजिंग करें तो उसके अंदर आप कितनी प्रोडक्ट्स उनके कैटलॉग में से निकाल लेते हैं।
जिनको आप फिर मिला के जब मतलब तो कितनी प्रोडक्ट्स आप निकाल लेते हैं उनके कैटलॉग से कि उनकी परचेजिंग लिमिट को आप पूरा कर लो। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हमसे $1,000 की परचेजिंग करनी ही करनी है, तो आप उसमें दो प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हो अच्छी, या तीन कर लेते हो ताकि आप ज्यादा प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सको। अगर तीन प्रोडक्ट्स उस डिस्ट्रीब्यूटर से लेके लिस्ट करते हो और अगर दो नहीं चलती एक भी चल जाती है तो आपका फायदा है, ये चीज इस पर डिपेंड करती है। नंबर जो है वो हम शेयर करवा देंगे यूएसए का कि किससे लेना है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। आई होप सो कि उनके पास अवेलेबल हो, क्योंकि वो पहले तो ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते थे, ठीक है, लेकिन अब वो जो है वो कहते हैं कि हम नंबर को तभी एक्टिव करते हैं जब हमारे पास कम से कम कोई 8-9 बंदा जो है ना वो एग्री कर रहा हो कि यस हमने परचेज करना, फिर हम एक्सपेंस डाल के और उसको खरीदते हैं। हाउ टू फाइंड ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स बिलाल, इसके ऊपर मैं आपके साथ ना डिटेल वीडियोस शेयर करवा दूंगी, सही है, उसके अंदर आपको तरीका पता लग जाएगा। उसमें बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप लाइव मैप देख सकते हैं, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गूगल पे अपना लाइव मैप डाला होता है जिसको आप ट्रेस करके देख सकते हैं, उनकी लोकेशन पता लग रही होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हाउस पता लग रहा होता है, वहां से बहुत ईजिली आपको पता लग जाता है। बाकी दूसरा ये कि आपने उनसे पूछना होता है कि आप ऑथेंटिक हैं या नहीं है, एंड वो बता देते हैं, ठीक है। प्राइस क्या होगी नंबर की, 1,000 रुपीज ही होती है पूरे महीने के लिए, और उसमें आप अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं, कोई बैलेंस वगैरह कुछ भी आपने नहीं डलवाना होता, सही है। आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर आप अपने ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट लगा के पूछ लीजिएगा कि कौन कौन से लोग जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने जितना रिसेंटली सुना था देवर लाइक के मिस 8-10 बंदे अगर आए तो फिर हमें फायदा है कि अब हम परचेज करें, अगर कोई एक दो आता है तो फिर नहीं। ना पहले तो हर महीने उनके पास हर टाइम अवेलेबल होता था क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे होलसेल वाले। नंबर में शेयर करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा एक और चीज आपने ये देखनी है कि आपने जो चीज कंसिडर करनी है वो ये है कि वक्त के साथ साथ, ठीक है, मैं शांसा को कह के आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो शेयर करवाऊंगी, वो काइंड ऑफ समझ लें कि वो फिल्टर्ड टॉपिक्स होंगे जो मुझे पता होगा कि आपको देखने चाहिए, लाइक कॉलिंग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, इन चीजों से रिलेटेड है, सॉफ्ट अप्रूवल हार्ड अप्रूवल का किसी ने पूछा वो हो सकता है, शिपिंग प्लान लेटेस्ट अपडेटेड 2024 का वो भी आपके साथ शेयर करवाऊंगी। देखने का ये पर्पस है कि जब आप एक मरतबा देख लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लूंगी और आपके दिमाग में जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आगे आएगा एक प्रॉफिट कैलकुलेशन का, होलसेल में आप प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम पे जो मिस्टेक्स करते हैं, होलसेल की मिस्टेक्स बिल्कुल डिफरेंट है, पीएल की मिस्टेक्स बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के प्रॉफिट कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हैं जो आगे जाके हमें पता लगता है कि हम पॉजिटिव नहीं, हम तो नेगेटिव में जा रहे हैं, सही है। वो लेक्चर आपने लाजमी अटेंड करना है, मोस्ट प्रोबेबली इससे अगला ही होगा। अब ये जो बीच का गैप आ रहा है इसके दौरान मैं आपके साथ जो है वो एक दो वीडियो शेयर करूंगी, मेक श्योर टू वॉच इट बिफोर नेक्स्ट लेक्चर ताकि जो भी आपने पूछना है आप मुझसे लाइव पूछ सके, ठीक है। और दूसरी बात ये है, और क्या बताना था, हाँ, कि एक क्लाइंट हंटिंग का लेक्चर अभी काफी इंपॉर्टेंट आएगा, वो भी लास्ट अटेंड कीजिएगा, उसके अंदर पोर्टफोलियो टीम बिल्डिंग ये चीजें भी कुछ इसमें शामिल होंगी। और दूसरी बात क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेशन वाला। अच्छा क्या क्वेश्चन आए, यस ट्रस्ट पायलट वगैरह से भी पता लग जाता है, लेकिन अब ट्रस्ट पायलट के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि उसकी अब रेटिंग ना इतनी ज्यादा वो नहीं है, मायने नहीं रखती। कोई खास चीजें रिक्वायर्ड नहीं आपके पास, बस रिसेलर सर्टिफिकेट होगा तो वो बहुत है, ठीक है। वेब मेल हाँ अच्छी है, ये स्काईलाइट्स वाले वेब मेल भी देते थे लेकिन अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप जीमेल नॉर्मल यूज कर सकते हैं, जीमेल कंपनी के नाम पे बना लीजिएगा, ठीक है, जैसे कोई भी है ना abclc@gmail.com, कोई मसला नहीं है, आ जाएगी आप। पीएल की इंटर्नशिप तो अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है, लेकिन एक पीएल की इंटर्नशिप नहीं है लेकिन उसका एक एक इंटर्नशिप करवाई थी वैसे पीएल की, सही है, उसका आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लेकिन उसकी प्लेलिस्ट नहीं है वो, सॉरी इंटर्नशिप नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप के अंदर जो है ना वो होलसेल में तो मेन एरियाज को टच किया जा सकता है, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ हम इंटर्नशिप ऐसी रखते हैं कि आप इसमें प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, और उस प्रैक्टिस के दौरान जो आपको मुश्किल होती है वो आप पूछ लो, और व्हाट्सएप के ऊपर भी प्रॉपर सपोर्ट मिल जाती है, उसके ऊपर भी मिल जाती है
फेसबुक के ऊपर भी मिल जाती है, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें। हमारे पास तो डेली इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपकी सोच है सही है कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं। दे डिडेंट पे अस एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी पे नहीं किया होता, बट कोशिश पूरी होती है कि वो रिप्लाई मिल जाए, ठीक है। और शांसा बेचारी इस चीज में लगी रहती है, इसलिए अगर थोड़ा डिले वगैरह हो तो आप लोग इस चीज को समझा करें, सही है। बाकी पीएल की इंटर्नशिप इसलिए अभी थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि पीएल ना बहुत डिटेल में है, ठीक है, और पीएल जिन लोगों ने पेड किया हुआ भी है उन्हें इतनी चीजें नहीं करवाई गई, इतनी चीजें नहीं करवाई गई कि बस बताया नहीं जा सकता, ठीक है। सो पीएल इतना इनडेप्थ है कि उसके मेन हॉट टॉपिक्स को टच नहीं सिर्फ किया जा सकता क्योंकि बाकी चीजें भी लिंक्ड होती है, तो वो तो ऐसी है कि 2 ढाई महीने प्रॉपर वे में करवाई जाए तो भी शायद कंप्लीट ना हो, लेकिन होलसेल में यही मेन टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। ये अगर किसी ने इन पे ग्रिप हासिल कर ली है तो वो बाकी चीजें आराम से मैनेज कर लेगा, पीछे कुछ बचता नहीं। लेकिन पीएल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, उसमें पीपीसी आती है और उसमें कॉस्टिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक आपका ट्रेडमार्क और ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब पहले पता होनी चाहिए। हंटिंग में अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, फिर सोर्सिंग टीम जो है वो अच्छे खासे टाइम टेकिंग चीज होती है, तो ये बहुत उसका जो है ना वो सिनेरियो डीप है, इसलिए फिर हमने उसको डिसकंटिन्यू किया था, मतलब उस पर नहीं कर पाई। जॉब्स मिलेंगी आपके पास, यानी यस हमारे पास ऑन एंड ऑफ आता है, अभी ये जो पिछला बैच भी किया है इस दौरान भी 3 अकाउंट्स हमने देने थे, ठीक है, 3 क्लाइंट्स के, तो उसके लिए अनाउंसमेंट भी थी। अगर आप फेसबुक ग्रुप पे भी जाके कभी सर्च करें नीचे की कोई पोस्ट है कीवर्ड्स की, अब मुझे मैं आपको क्या कीवर्ड बताऊं, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी लिख के या कुछ भी तो था, और उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे और उन इंटरव्यूज में से फिर 3 टीम्स जो है वो सिलेक्ट हुई थी और उन 3 टीम्स को एक एक अकाउंट हमने दिया भी था, सही है। तो अभी टीम में हम शामिल नहीं करते, लेकिन इस तरीके से ऑन एंड ऑफ होता है जब कोई क्लाइंट्स आए, क्योंकि अपने पास जब वर्कलोड हो या हमारे पास गुंजाइश ना हो तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि अपने स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको आगे लाया जाए, लेकिन प्रॉपर इंटरव्यू के साथ और हर चीज देखते हुए, ठीक है, जो क्लाइंट की डिमांड है। अगर वो कोई एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो एक्सपीरियंस आप जाके फेसबुक के ग्रुप्स में भी चेक कर सकते हैं, शायद हो जाए, बट मुश्किल है। पीएल की इंटर्नशिप मुश्किल है, ठीक है, लेकिन होलसेल की तो होती है। ये जो लोग एक्टिव हैं उनको मिलता है, आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा शांसा को, ठीक है। लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग इज अबाउट टू एंड एंड आई होप सो कि आपने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा। बस अगले लेक्चर में भी अटेंटिवली आइएगा और सारी चीजों को रिविजन करके आइएगा ताकि जो क्वेश्चन हो वो मैं आपके ले सकूँ, ठीक हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी ऑन फ्राइडे।